हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं जो फिजिक्स के सवाल, 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ये भौतिकी विज्ञान का सेट वन होगा जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार बिहार दरोगा प्री में भी आया था। विज्ञान से कुछ क्वेश्चन आए थे और बिहार दरोगा मेंस में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे इससे, तो हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे कैसा क्वेश्चन आता है मेंस में। पिछले ईयर का कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया है, उसका सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। तो आइए से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने स्टडी मोड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बेल आइकन दबाकर अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे बनने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों ये चैनल है बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिहार में जो भी सरकारी एग्ज़ाम होता है या बिहार का जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस चैनल के माध्यम से शेयर किया जाता है। आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है, जो फिजिक्स में न्यूटन साहब ने जड़त्व के एक नियम दिया था, जैसे कि कोई भी वस्तु विरामा अवस्था में रहने की उसकी प्रवृत्ति होती है जब तक उसे छेड़ा ना जाए, अगर उसमें छेड़ा जाता है तो वो मोशन में आती है, यही जड़त्व का नियम बोला जाता है इसी नियम को ही। तो इसका आंसर हो जाता है द्रव्यमान। कोई भी वस्तु का कुछ खास द्रव्यमान होता है और जब उस पर जी का वैल्यू लग जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं भार बोलते हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसे हम लोग कैलोरी में मापते हैं। अभी क्या है तो शहरी क्षेत्र के लिए कैलोरी का माप अलग है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है। शहरी क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी का माप है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी का माप है प्रति नौजवान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम वी और वेग मतलब भी, भी से भी कट जाएगा, बचेगा हम लोग का द्रव्यमान मतलब एम बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल भी अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो क्वेश्चन इजीली आप निकाल कर ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जाता है, तो ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई अचानक चलने स्टार्ट किया या अचानक रुकता है तो आगे बगल झुकता है और या तो पीछे बगल गिरता है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट नियम का देता है। न्यूटन का सेकेंड नियम क्या देता है, तो एफ बराबर एम ए देता है। और न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसे हम आपको एक थप्पड़ मारेंगे तो ज़रूर है आप भी एक थप्पड़ मारिएगा, सब लोग गांधी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर तैरते रहता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है फिजिक्स में और लोग इस क्वेश्चन को गलत कर आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 1/10। 1/10 जो होता है वो ऊपर तैरते रहता है और बाकी क्या होता है समुद्र के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, क्योंकि घर्षण की कमी हो जाती है, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम सही से चल भी नहीं पाएंगे, ठीक। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी हवाई चप्पल या जो भी आप चप्पल पहनते हैं उसका अगर नीचे वाला घिस जाता है तो उस चप्पल को पहनना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें घर्षण का शक्ति खत्म हो जाता है जिससे गिरने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घर्षण की कमी के कारण, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में किसका उत्पादन होता है, तो जो प्रकाश वोल्टीय सेल है उसमें जब सौर ऊर्जा आता है तो वो प्रकाशीय ऊर्जा जब उसमें आता है तो वो बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसे हम क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर एट हम लोग देखते हैं कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के सीधा अनुप्रयोग है, तो ये पास्कल के नियम है। पास्कल के नियम आप फिजिक्स में अगर पढ़े हैं 10th क्लास या 12th क्लास में तो आप इजीली इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। पास्कल का नियम ये कहता है कि अगर दो कंटेनर में द्रव है और दोनों कंटेनर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक कंटेनर में हम अगर पुश कर दाब लगा रहे हैं तो दूसरे वाले कंटेनर से जरूर लिक्विड या जो भी पानी हो वो ऊपर तरफ आएगा। और वहीं ट्रेन जो आजकल का सबसे ज़्यादा ट्रेन में पास्कल के नियम से ही ब्रेक लगाया जाता है, अगर आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे और वो पुल करते होंगे जो चैन होता है बीच में तो आपको आवाज़ सुनाई देता होगा, सोए हुए हवा सुनाई देता होगा, वो पास्कल के नियम से ही होता है, क्योंकि वो गैस निकलने लगता है, जो गैस बना रहता है वो गैस निकलने रहता है, इसमें लिक्विड का उपयोग नहीं होता है ट्रेन वाला में, इसमें गैस का उपयोग होता है, पहले लिक्विड का उपयोग होता था। तो आप क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हैं अगर आपको बेसिक जानकारी होगा तो भी। आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या, आर्कमिडीज का सिद्धांत पानी से है, वो पलवन का सिद्धांत है क्या कि पानी में अगर कोई भी वस्तु को दाब से दबाया जाता है तो ऊपर की तरफ बल लगाने की कोशिश करता है नीचे से पानी, ये आर्कमिडीज का सिद्धांत है। न्यूटन का सिद्धांत, तीन न्यूटन का सिद्धांत है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, एक जड़त्व का भी नियम है जो कि फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नाइन है
कि जब दूध का प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है, तो ये अपकेंद्रीय बल, एक होता है सेंट्रीप्यूटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीप्यूटल फोर्स क्या होता है कि सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है तो वो फ्यूडल फोर्स होता है, वो सेंटर से सीधे विपरीत दिशा में लगता है। क्यों? क्योंकि आप साइकिल चलाते होंगे तो कहीं मोड़ वाले स्थान पर आप अपने को विपरीत दिशा में झुकाते होंगे, सेंटर की दिशा में नहीं झुकाते हैं। क्यों नहीं झुकाते हैं? क्योंकि वो बैलेंस बनाते हैं, और जो वो बल होता है वो बल दिखाई नहीं देता आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपकेंद्रीय बल। इस अपकेंद्रीय बल के कारण ही मक्खन दूध से अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत किस पर काम करता है। तो जो जेट इंजन का संरक्षण का सिद्धांत है वो रेखीय संवेग पर, एक कोणीय संवेग होता है, एक रेखीय संवेग होता है। जैसे आप लोग जेट इंजन को उड़ते हुए देखे होंगे तो सीधे जाता है और उसके धुआं क्या होती है, नीचे की तरफ या आसमान में एक सीधे रेखा बनाते हुए निकलती है, जो कि बादल अगर रहता है तो उसमें दिखाई भी देती है, वो जम जाता है धुआं तो उसको दिखाई देने लगती है। तो ये रेखीय सिद्धांत पर चलता है। कोणीय सिद्धांत पर भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कोणीय सिद्धांत पर क्या करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं परीक्षा में, और आप चुटकी से क्वेश्चन को हल कर अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, अगर पृथ्वी पर आप हैं और सीधे चंद्रमा पर जाते हैं तो देखते होंगे कि आप बड़े बड़े सूट लगाकर एस्ट्रोनेट चंद्रमा पर जाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग भी गए थे तो वो बहुत बड़े सूट पहनकर गए होंगे, आप टीवी में या कहीं भी देखते होंगे इस न्यूज़ को। तो सूट का भार रहता है, सूट में गैस भरा जाता है, सूट में इसलिए गैस भरा जाता है कि नीचे की तरफ बल लगाए, क्योंकि चंद्रमा पर जो है 1/6 है, जो गुरुत्वाकर्षण है 1/6 है। अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी हवा भी चल रहा है तो आप 1/6 यहाँ से उछाल कीजिएगा और वायुमंडल में सीधे आप चले जाइएगा, सिर्फ वायुमंडल के बाहर चंद्रमा के। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें 1/6 होगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है, एसएससी में भी आया है बार बार क्वेश्चन। अभी जो फिलहाल ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, आप उससे भी क्वेश्चन रिलेट कर ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी तुलककारी उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर लगभग कितनी होती है। जो हम उपग्रह छोड़ते हैं, जो आर्टिफिशियल हम लोग का उपग्रह, ऐसे तो हम लोग का नेचुरल उपग्रह एक चंद्रमा है, और सबसे बड़ा नेचुरल उपग्रह किसका है, तो सबसे बड़ा नेचुरल उपग्रह है बृहस्पति का गैनीमेड, और जो शनि का उपग्रह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है तो वो टाइटन है, और मंगल का पूछता है तो वो डिमेसन फिबोस है। तो ऐसे कर आप सबसे ज़्यादा किसका ग्रह है उपग्रह, तो वो ग्रह नहीं उपग्रह किसके सबसे ज़्यादा है, तो वो बृहस्पति का है। तो ऐसे कर आप आंसर लगा सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि किन दो ग्रहों का उपग्रह नहीं है, किन दो ग्रहों का उपग्रह नहीं है। अगर आप जानते हैं, आप पढ़ें सौरमंडल, तो बता सकते हैं। वैसे हम लोग 100 के कोर्स में सौरमंडल सारा पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग उपग्रहों को छोड़ते हैं, जो पृथ्वी की सात परिक्रमा करता है और पृथ्वी का सारा लोकेशन भेजता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो जो वर्षा का बूंद है उसका गोलाकार होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव मतलब जब वर्षा का बूंद गिरता है ऊपर से तो चारों तरफ से तनाव होता है, घर्षण होता है, जिससे उसका आकार गोल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 14 है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित थे। जो पलवन के सिद्धांत या उत्प्लावन के सिद्धांत दिए थे, पानी वाला सिद्धांत दिए थे। आप सिर्फ पानी वाला सिद्धांत याद रखिए कि पानी में अगर कोई चीज़ ऊपर से दाब रहे हैं तो पानी नीचे से ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, ये पलवन का उत्प्लावन का सिद्धांत कहलाता है। तो ये ग्रीस के थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन गांव में अगर अब बैठे भी हैं, और बिहार में तो खासकर ऐसे होता है, गांव में अगर कहीं बैठे हैं जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आता है, लाजमी है, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बाबू बताओ कि अगर बर्फ़ के टुकड़ा है पानी में डाल दिया जाता है तो क्या पानी ऊपर से गिर जाएगा कंटेनर से। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं गिरता है, क्योंकि जो वो घनत्व होता है ना वो अपना मेंटेनेंस बना लेता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा उतना ही रहेगा सी। तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूटन ने किए थे, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। उनके ही सिर पर एप्पल गिरा था, अगर नहीं एप्पल गिरता नहीं इतना हम लोग को न्यूटन का नियम पढ़ना पड़ता। तो ये न्यूटन के नियम थे जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, न्यूटन के नियम ही गुरुत्वाकर्षण के नियम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है। तो ये होता है 9.8। जैसे मैंने बोला ना कि आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर जगह अब 9.8 गुरुत्वा जी लग जाता है तो वो भार में बदल जाता है। तो द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर होता है। द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसका मान क्या होता है 9.8
न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है, तो उतना बल लगाता है, अपने अपने तरफ खींचता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है और हर बार आता है असाइनमेंट्स में, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये 746 वाट के बराबर होते हैं, एक मतलब कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं, ये आप आंसर रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। तो ब्रह्मगुप्त जो थे इंडियन, जो कि बौद्ध से रिलेटेड है, ये बहुत बड़े विद्वान थे। अगर इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इनके बारे में कुछ दिखेगा। ये हुए नागा अर्जुन हुए, आर्यभट्ट हुए, ये सब चाणक्य हुए, महान महान वैज्ञानिक हुए। और इसमें से ज़्यादातर कहाँ से, तो बिहार से। इसमें से ज़्यादातर का जन्म कहाँ हुआ, तो बिहार में जन्म हुआ। और तो ये जो आर्यभट्ट हुए, तो जीरो का खोज किए, जीरो भी दिए, चाणक्य नीति आज भी पढ़ा जाता है उनके द्वारा, अर्थशास्त्र लिखा हुआ, राजनीतिक शास्त्र बुक आज भी पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर 9 का डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का यूनिट है। तो उष्मा का यूनिट कौन है, तो जूल है। जूल किसका यूनिट है, उष्मा का यूनिट है। कैलोरी किसका यूनिट है, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन में बताया है, आप अगर ऊपर वाला क्वेश्चन से सीरियसली से देखे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एम्पियर किसका है, तो विद्युत का है। ओम किसका है, तो प्रतिरोध का है। वोल्ट किसका है, ये भी मुझे बताइए, वोल्ट किसका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फरनहाइट तापमापी पर एक ही होगा। तो -40 डिग्री पर दोनों का वैल्यू जो होता है ना, सेल्सियस और फरनहाइट, फरनहाइट पर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, सेल्सियस पर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 जो होता है हम लोगों का फरनहाइट पर होता है। तो ये मत बोल दीजिएगा हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर जो है 98.6 हरदम बना रहता है डिग्री में, नहीं, ये गलत हो जाएगा, आपको गलत टिक लगा कर आ जाएंगे। तो ये होता है 36 कुछ ही याद कीजिए, 8 होता है, तो इतना होता है क्या फरनहाइट पर, इतना होता है सेल्सियस पर, और फरनहाइट पर 98.6 होता है। तो ऐसे कुछ तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापमान फरनहाइट में क्या होगा, तो ये 140 डिग्री फरनहाइट हो जाएगा। उसका तापमान कितना हो जाएगा, 140 डिग्री फरनहाइट हो जाएगा। आप अगर इससे नहीं जानते हैं तो इसका वैल्यू निकालने, आप 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, फरनहाइट पढ़ना है, सेल्सियस पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, ये कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील से अंत स्थल पर जल का क्या तापमान होगा, तो 4 डिग्री होगा। क्योंकि 4 डिग्री पर क्या होता है, पानी का घनत्व जो होता है ना 4 डिग्री पर फिर ज़्यादा होता है, फिर उससे कम होने लगता है, फिर उससे, जैसे कि अगर पूछता है कि अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो कितने डिग्री पर उसका घनत्व में रुकावट आएगा, तो 4 डिग्री पर आता है, फिर क्या होता है घनत्व, घनत्व पे जानते हैं ना, घनत्व, घनत्व क्या होता है ना कि द्रव्यमान होता है, ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो जम जाता है, उसको सिकुड़ाव होता है। जैसे कि कोई भी हीरा का घनत्व ज़्यादा होता है ग्रेफाइट से, कैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा चपका हुआ रहता है, ज़्यादा जमा हुआ रहता है, एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो कठोर रहता है। ठीक, तो वैसे ही घनत्व है, जो 4 डिग्री पर घनत्व पानी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो 4 डिग्री बाद तक जो ऊपर वाला सतह रहता है वो जमा रहता है, और नीचे वाला पानी क्या रहता है, लिक्विड रहता है, क्योंकि घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो पारा जो है उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगर आंधी तूफान आता है डायरेक्ट, तो पारा का सेल्सियस डायरेक्ट गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है, कि जब आंधी तूफान आता है तो अगल बगल क्या होता है, ठंडा जैसा महसूस होने लगता है, अगल बगल का टेम्परेचर क्या होता है, गिरने लगता है। तो पारा भी क्या होता है, एक बाइक गिरने लगता है। जब पारा एक बाइक गिरने लगता है तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आंधी तूफान आने वाला है। तो इसका आंसर पारा होगा, जो उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल भी देखना है, तो कहीं बैठे हुए हैं और वहां पर टेम्परेचर ज्यादा अगर गिरने लग रहा है, तो जरूर आप महसूस कीजिए कि अंधड़ या तूफान आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो वो संवहन कहलाता है, संवहनीय वर्षा भी आप पढ़े होंगे, जैसे कि संवहनीय समुद्र से जैसे स्थल की ओर जो हवा जाता है उसमें नमी ज्यादा होता है, और वही नमी जाकर पहाड़ से टकराता है, और वही संवहनीय वर्षा कहलाता है, जो बारिश कराता है। ठीक, तो जो पहाड़ के पीछे वाला क्षेत्र होता है वहां बारिश नहीं हो पाता है, जिससे अकाल ऊपर बनने की संभावना ज़्यादा पड़ी रखती है। तो और जो आगे वाला क्षेत्र होता है वहाँ खूब पानी होता है, जैसे मेघालय में हम लोग का पानी क्या होता है, तो जो नागा खासी जयंतिया जो पहाड़ी है उससे टक्कर होता है, जो बंगाल की खाड़ी से निकलता है जलवायु, और वहाँ से नमी जाकर टक्कर करता है, और मेघालय के मानसीराम चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा विश्व का पानी होता है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन टॉप थे। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल के माध्यम से आप बने रहिए।